16 करोड़ बहाली जो दिल्ली से होनी थी उसको खोजिए ना सब लोग मिलके। मैंने कहा लाखों बहालियां होनी है, महीनों लग सकते हैं, कौन बड़ी बात। चौड़ी छाती वाले का, 56 इंची वाले का 16 करोड़ प्रति वर्ष 1-2 करोड़ नौकरी देना था। किसानों की आय दुगुनी करनी थी 2022 तक। बिहार में इन दिनों रोजगार का सवाल सबसे ऊपर बना हुआ है। रोजगार के सवाल को लेकर सियासत भी खूब हो रही है और तेजस्वी यादव ने युवाओं से जो वादा किया है उसे लेकर हर दिन भरोसा देते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर सवाल किए जाने पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर शिक्षक अभ्यर्थियों को थोड़ी निराशा हो सकती है। सबसे पहले वो बयान सुनिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जब आज राजद कार्यालय पहुंचे थे तब पत्रकारों ने उसे सवाल किया बिहार में शिक्षक बहालियों को लेकर के, तो उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। 16 करोड़ बहाली जो दिल्ली से होनी थी उसको खोजिए ना सब लोग मिलके। बिहार का लोग, बिहार के छात्र भैया, दिल्ली का 16 करोड़ खोजिए ना। बिहार में तो लाखों बहालियां होनी है, महीनों लग सकते हैं, कौन बड़ी बात। समय अभी लगेगा। मैंने कहा लाखों बहालियां होनी है, महीनों लग सकते हैं, कौन बड़ी बात। लेकिन 16 करोड़ खोजिए ना भाई जान। चौड़ी छाती वाले का, 56 इंची वाले का 16 करोड़ प्रति वर्ष 1-2 करोड़ नौकरी देना था। किसानों की आय दुगुनी करनी थी 2022 तक। सीमा सरहद का क्या हाल है सो समझ रहे हैं। तो 16 करोड़ नौकरी खोजिए, हमारे युवाओं को खोजना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब संकल्प व्यक्त किए हैं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, हमारे युवा आदर्श तेजस्वी जी का बेरोजगारों के प्रति जो लगाव है, जो घोषणा है, वो पूरा होना है। तो हम कर ही रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिनको 16 करोड़ देना था 16 नहीं दिया, उसको नहीं खोज रहे हैं आप लोग। अमित शाह आ रहे हैं सर सीमांचल में रैली। तो आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को जो तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने 56 इंच सीना और चौड़े छाती वाला सीना का जो जिक्र किया है और साथ ही साथ क्या कुछ कहा है। शिक्षक बहाली को लेकर फैसले में हो रही देरी पर जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसा ही सवाल करने की नसीहत मीडिया को दे डाली। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से आज जब ये पूछा गया कि बिहार में रोजगार को लेकर उनके विभाग की तरफ से क्या पहल की जा रही है, तो उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से 16 करोड़ रोजगार के किए गए वादे की याद दिला दी। मंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार से जाकर 16 करोड़ नौकरियों के बारे में सवाल करिए और जवाब मांगिए। उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों नौकरियां मिलनी है और इसे मिलने में महीनों का वक्त लग सकता है। उन्होंने साथ ही कहा है कि बिहार में आने वाले महीनों में लाखों बहालियां होनी है, लेकिन देश के 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री ने जनता से जो वादा किया था उसका क्या हुआ। 2022 तक किसानों की आय दुगना करना था, उसका क्या हुआ। देश युवाओं का और 16 करोड़ नौकरी खोजना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार देने का संकल्प ही व्यक्त कर चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बेरोजगार युवाओं के से खास लगाव रहा है, हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो आपने देखा किस तरीके से शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर सिंह आज जब राजद कार्यालय पहुंचे थे, मीडिया ने उनसे सवाल किया तो सवाल में किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, और आने वाले दिनों में कहा है कि लाखों नौकरियां मिलने वाली है, इसको लेकर के कुछ वक्त लग सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।